नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचकुला में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमारे मुंह पर एक मास्क लगा दिया है पर हमारे हाथों को नहीं बांधा। कोरोना ने हमारी रफ्तार को जरूर रोक करके रखा है पर हमारे हौसलों पर रोक नहीं लगा पाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को मानवता की महान सेवा की है। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्स व अन्य चिकित्सा स्टाफ तथा समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मानवता की सेवा करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तथा नीतियों की प्रदेश के वासियों के साथ साझा की। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्होंने लोगों की उपस्थिति कम से कम रखी। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। पीछे हरियाणा सशस्त्र पुलिस की पहली टुकड़ी सीएसआई गुलाब की तबीयत पर राजौरी सेक्टर जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ आज पंचकुला के लिए एक विशेष बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि इस जिले की स्थापना भी आदि के दिन 15 अगस्त 1995 जो हरियाणा के 17वां जिले के रूप में निर्माण हुआ था। मैं आपको भी जिले के स्थापना दिवस की भी बधाई देता हूं। आपने अपनी मेहनत और सूझबूझ को पंचकुला को विकसित किया है, सुंदर और सुदृढ़ बनाया है। आज़ादी का ये दिन कई मायनों में अहम है और सबसे अहम इसलिए है कि आज़ादी के इस जश्न को हम एक महामारी के दौर में मना रहे हैं और इसी कारण आज का ये अवसर बहुत ही औपचारिकताओं को छोड़कर मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में स्कूली बच्चे जो विभिन्न कार्यक्रम करते थे, झांकियां दिखाते थे, आज हम इस महामारी के कारण से उनको अपने बीच में अनुपस्थित पा रहे हैं। कोरोना ने हमारी आज़ादी में कई बंदिशें जरूर लगा दी हैं। हम आज़ाद हैं कुछ बंधनों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ये वर्ष और ये आज़ादी की वर्षगांठ विशेष है। कोरोना ने हमारे मुंह मास्क लगा दिया पर हमारे हाथों को नहीं बांधा है। कोरोना ने हमारी रफ्तार को जरूर रोका है पर हमारे हौसलों को नहीं रोक पाया है। इस हौसले को बनाए रखने और इस महामारी को निपटने में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक कोरोना वॉरियर्स ने मानवता की महान सेवा की है। उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉलंटियर्स, अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि बहुत से ऐसे बंधु शामिल हैं। मैं इस निस्वार्थ सेवा के लिए उन सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन पहले ही 5 अगस्त को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। इसी के साथ हमारा 500 साल का यह इंतजार भी खत्म हो गया। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा देता रहेगा। इससे ठीक एक साल पहले 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया है। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आज़ाद हुआ बल्कि आज़ादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला टेंट, तंबू और ताले से आज़ाद हो गए बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के शिरोमणि अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए भी आज़ाद हो गया है। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है और यह विषय है व्यवस्था परिवर्तन का। जिन कामों के बारे में पहले लोग कहा करते थे कि ये तो नहीं हो सकता या कहते थे ये तो ऐसे ही चलेगा, हमने उस व्यवस्था और मानसिकता दोनों पर चोट करते हुए उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। राजनीतिक आज़ादी तो हमें
साल 1947 में मिल गई थी, लेकिन 7 दशकों में भी सरकारें प्रशासनिक जकड़नों से निजात नहीं दिला पाई। जब इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं पर बदलाव की सोच के साथ हमने चोट की, उन कमियों को रेखांकित कर बदलने का निश्चय किया, तो यथास्थितिवादी लोग उसे घोटाले की संख्या देने लगे। समस्या को हमने समझा, उसे बदलने के लिए कदम हमने उठाए, बिचौलियों को हमने गिरफ्तार करवाया, तो ये घोटाला कैसे हो गया? जब हमने ही कमी को पकड़ा है और हम ही उसे दुरुस्त कर रहे हैं, तब फिर इसे तो बुनियादी सुधार की संख्या दी जानी चाहिए, ना कि घोटालों के। हमने हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक योजनाएं बनाई हैं। ठीक उसी तरह असंभव से दिखने वाले कार्य, जैसे रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को बंद करना, पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाना, बीपीएल परिवारों के राशन व्यवस्था में ठगी को बंद करना, हरियाणा के हजारों गांवों को लाल डोरे से मुक्त करना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधी सहायता पहुँचाना और हर हरियाणावासी का परिवार पहचान पत्र बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, सभी कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, अंत्योदय योजना आदि द्वारा गरीबों को लाभ दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हमने सुशासन का संकल्प लिया है, ये वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष ये मनाया जा रहा है। जंजीरें केवल गुलामी की अंग्रेजों की नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता की भी थी, जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, सत्ता को शासन का जरिया बनाकर रखा, कभी जनता की सेवा का ख्याल नहीं रखा। हमें इस मानसिकता से भी देश को आज़ाद करना है। हम सुशासन शब्दों से, कागजों से और बातों से नहीं लाएंगे, बल्कि सुशासन समाज को संकल्प से और सभी को साथ लेकर लाएंगे। इस ऐतिहासिक दिवस पर जब हम अपना स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आइए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नव निर्माण के लिए मिलकर काम करने की शपथ लें। इस पावन अवसर पर मैं फिर से एक बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हरियाणा के कर्मठ लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।